हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, काफ़ी समय से एक रिक्वायरमेंट बच्चों की आ रही थी कि सर क्लोज टेस्ट भी शुरू कीजिए करवाना, क्लोज टेस्ट करवाइए। तो काफ़ी समय से मैं ये रिक्वायरमेंट बच्चों की देख रहा था, मैसेज मेरे पास कंटिन्यू आ रहे थे। सो ये आज का मैंने क्लोज टेस्ट उठा लिया है और कोशिश करूँगा कि मैं एक वीडियो क्लोज टेस्ट के ऊपर डेली अपलोड कर सकूँ। अगर एक नहीं डेली तो कम से कम आफ्टर 2 डेज 3 डेज में कम से कम वीडियो अपलोड कर सकूँ क्लोज टेस्ट के ऊपर, जिससे कि आपका एक फ्लो रिदम बना रहे, क्योंकि किरण भी मुझे अपलोड करनी रहती है हर दूसरे तीसरे दिन। सो यहाँ पे हम लोग आज बात करेंगे क्लोज टेस्ट की। ये क्लोज टेस्ट किस एग्ज़ाम में आया हुआ है, कौन से पेपर में आया हुआ है, ये सभी मैं आपको बता देता हूँ गाइस, जिससे कि आपको कन्फर्म रहे कि आप किस सेट पेपर का क्लोज टेस्ट कर रहे हैं सॉल्व। सो गाइस, ये है आपका, पहले मैं अपना कैमरा ऑन कर लूँ जिससे कि आपको दिख सके आराम से। ये क्लोज टेस्ट जो आप देख रहे हैं, ये सेक्शन ऑफिसर ऑडिट का एग्जाम पेपर है, 1997 में कंडक्ट हुआ हुआ। आप कहेंगे सर बहुत पीछा कराया है। बच्चों मेरे पास यही बुक थी लास्ट यहाँ से, जिसमें क्लोज टेस्ट था 1997 से 2012 का। मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ आजकल यूट्यूब पे पेड ग्रुप में, तो वहीं से मैंने ये उठा लिया। 1997 में आया हुआ एक क्लोज टेस्ट है जो कि आज मैं आपको करा रहा हूँ। चलिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना पुराना और कितना नया है, आपने तो जो नहीं करा बस आपके लिए वो नया ही है। यस, क्योंकि जो आपने नहीं किया बस वो आपके लिए नया ही तो है, जो आपने कर लिया वो आपके लिए पुराना है। सिंपल सी बात है। कह रहा है कि द लाइब्रेरी इफ यूज प्रॉपरली इज इन वैल्यूएबल इन हेल्पिंग यू डेवलप डिस्कर्नमेंट, इट इज रिच डैश इंफॉर्मेशन। गाइज, मैं पहले आपको बता दूं, सबसे पहले अक्सर बच्चों का मैसेज देखता हूँ, बच्चे बोलते हैं कि सर आप हिंदी में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन क्या करें। देखिए गाइज, मैं हिंदी में जानबूझकर एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये कि यहाँ हिंदी में आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, एग्ज़ाम में आपको कौन करेगा, समस्या ये है। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि आपको रूल्स बताए जाएँ, कुछ ट्रिक्स बताए जाएँ, जिनसे कि आप भी एग्ज़ाम्स में उन क्लोज टेस्ट को कर पाएँ या उन्हीं सभी सेट्स को कर पाएँ। और दूसरा कारण ये भी है कि अगर मैं हिंदी बताऊंगा तो वीडियोस आपकी बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएंगी, जिससे काफ़ी समस्या हो जाएंगी। यहाँ आप सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स को समझें, मेथड को समझें, वो ज़्यादा बेहतर होगा, बावजूद इसके कि आप हिंदी में शुरू करना। क्योंकि आज तक आप लोग इंग्लिश इसीलिए नहीं सीख पाए क्योंकि आप लोग हिंदी 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 के ही भरोसे रहे कि हिंदी में मिल जाए, हिंदी में ही मिल जाए, हिंदी में ही आपने टेंस सीखे, हिंदी में सब कुछ सीखे, और आप कुछ भी नहीं सीख पाए गाइस। सो ये गलत है तरीका, आप डायरेक्ट सीखिए मेथड को करना। मैं आपको सिखा दूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, 10 में से 10 नंबर भी आपके आएंगे एक दिन, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। इट इज़ रिच डैश इन्फॉर्मेशन। अब जैसे कि यहाँ पे ये सेट है आपका, इट इज़ रिच इन इन्फॉर्मेशन। सो गाइस, यहाँ पे ध्यान रखें, रिच के साथ में हमेशा इन चला करता है, हमेशा रिच के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन है आपकी कि रिच ही चलती है, इन चलती है सॉरी। तो अब ये तो कन्फर्म हो गया हमारा एक नंबर फ्री का कि रिच के साथ में इन लगना है। तो इस सेंटेंस में आपका आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल आंख मिच के करेक्ट। और गाइस एक बात का ध्यान रखना, अगर 10 सेंटेंस आप लोग कर रहे हैं क्लोज टेस्ट के और आपको उनमें से 2 बिल्कुल कंफर्म पता हो, तो आप बाकी 8 पर रिस्क लीजिएगा, मैं ये कहूँगा फिलहाल। क्योंकि अगर ये 8 के 8 आपके गलत भी चले गए तो भी आपका कोई नुकसान नहीं है, 2 ही आपके जाएंगे, यानी कि आप नो प्रॉफिट नो लॉस में खेल खेल जाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे स्कोर, रिस्क नहीं लेंगे, तो आप कर ही नहीं पाएंगे, धीरे धीरे आपका स्कोर बढ़ता चला जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपके 2 सही होंगे और 8 गलत होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। धीरे धीरे रिस्क लेने से आपका स्कोर बढ़ जाएगा। इट इज़ रिच इन इन्फॉर्मेशन दैट गोज फार बियॉन्ड द डैश ऑफ एनी वन टेक्स्ट बुक्स और कोर्स, फार बियॉन्ड द डैश पेजेस लिमिट्स कन्फाइंस या लिमिटेशंस। गाइज, यहाँ पे फिर से फिक्स प्रिपरेशन का फंडा आपका फंस चुका है आकर के, वो ये है कि कन्फाइन के साथ में हमेशा ऑफ चलता है और आगे ऑफ खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी फिक्स प्रिपरेशन ने बाजी मार ली है, यहाँ पर कन्फाइन ऑफ रहेगा। अब आप कहेंगे सर फिक्स प्रिपरेशन कहाँ से याद करें, कितनी याद करें, कैसे याद करें। गाइज, जितनी एग्जाम के आपके प्रैक्टिस के बीच में आएंगी कम से कम उनको तो याद कर ही लें, फिलहाल ये टारगेट बनाएं। यस, बात की बात बाद में है। Beyond the confines of any one textbooks or course, dash your textbooks author does not make a particular dash, यानी कि फुल स्मॉल सेंटेंस खत्म हो चुका है कोर्स पे ही, अब नया सेंटेंस शुरू हुआ है। कह रहे कि डैश योर टेक्स्ट बुक ऑथर, अगर आपका टेक्स्ट बुक ऑथर डज नॉट मेक अ पर्टिकुलर डैश,
नहीं देता है पर्टिकुलर डेज, क्या देता है ये देखना होगा, तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल यहाँ क्या लगाएंगे, इफ वाइल वैन ए सपोज। सो गाइस यहाँ पे वाइल और वैन तो आप नहीं लगाएंगे, क्योंकि वाइल और वैन पास्ट की दो घटनाओं को जोड़ने का काम करता है, जो यहाँ पे नहीं लगेगा। यहाँ पे आप लगाइए इफ, इफ योर टेक्स्ट बुक ऑथर डज नॉट मेक अ पर्टिकुलर डैश, नहीं देता है एक पर्टिकुलर डैश 84, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, पर्टिकुलर एंट्री, पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन, पर्टिकुलर पॉइंट, तो कम से कम बी और डी तो नहीं आएंगे। अब या तो आपका आना चाहिए पहला ही, या आपका आ जाना चाहिए यहाँ पे तीसरा। इफ योर टेक्स्ट बुक ऑथर डज नॉट मेक अ पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन या इन्फॉर्मेशन क्लियर एंड यू फील द नीड डैश अनदर डिस्क्रिप्शन। गाइज आगे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आया हुआ है, यानी कि वर्णन की जरूरत पड़ रही है। अब यहाँ पर ये कन्फर्म है कि आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ही लगाना होगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ ही आप लोग डिस्क्रिप्शन का वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो 83 का आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। अब 84 पे चलते हैं, 84 ही था सॉरी, ये 84 का आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। 85 पे चलते हैं, डिस्क्रिप्शन क्लियर एंड यू फील द नीड डैश अनदर डिस्क्रिप्शन इन ग्रेटर डिटेल, यू फील अ नीड फॉर ऑफ टू अबाउट 85%, यू फील अ नीड फॉर अनदर डिस्क्रिप्शन, आपको जरूरत है अन्य डिस्क्रिप्शन की इन ग्रेटर डिटेल, बहुत बड़े डिटेल में, डैश इन अदर वर्ड्स, डैश और इन अदर वर्ड्स गो टू द, बिल्कुल और ही आएगा, आपको कुछ छोड़ नहीं आ सकता कंजेशन के लिए। यू फील द नीड फॉर अनदर डिस्क्रिप्शन इन ग्रेटर डिटेल और इन अदर वर्ड्स गो टू द लाइब्रेरी एंड डैश अदर बुक्स ऑन द सब्जेक्ट, लाइब्रेरी में जाएं और डैश करें अदर बुक्स, यानी कि वेरीफाई करें, आइडेंटिफाई करें, चेक करें या कलेक्ट करें, चेक करें उसी टॉपिक पर अन्य बुक ऑन द सब्जेक्ट बाय कॉलिंग डैश। अब यहाँ पे आपके साथ में ऑप्शन है कॉल के साथ में, हमारे पास ऑप्शन है बहुत सारे, कॉल फॉर, कॉल अप, कॉल फोर्थ और कॉल अपॉन, ये गाइस फ्रेजल वर्ब से हैं। मैं यहाँ पे आपको इन चारों के ही मीनिंग बताऊंगा, आप इन चारों के मीनिंग लिख लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में कभी ये दोबारा आए तो आपको समस्या ना आए। जैसे कि पहला वर्ड है कॉल फॉर, कॉल फॉर का मतलब होता है मांग करना, क्या करना, मांग करना किस चीज़ की, डिमांड करना एक तरह से। सो कॉल फॉर मतलब डिमांड करना या मांग करना। अगला आपका कॉल अप, कॉल अप मतलब याद करना अपने पुराने दिनों को, पुराने समय को याद करना, बैठ करके अकेले बैठे हुए हैं तो कॉल अप कर रहे हैं आप, याद करना। अगला आपका कॉल फोर्थ, कोई प्रतिक्रिया पैदा करना, कोई प्रतिक्रिया पैदा करना, जगह नहीं इतनी, आप अपना लिख लीजिएगा, कोई प्रतिक्रिया पैदा करना। और कॉल अपोन, कॉल अपोन कुछ करने या बोलने के लिए बुलाना, कुछ करने या बोलने के लिए बुलाना। सो कॉलिंग बाय कॉलिंग अपॉन टू और थ्री राइटर्स डीलिंग विथ द डैश टॉपिक, यानी कि उनको कुछ करने या बोलने के लिए बुलाए दो या तीन राइटर्स को डैश टॉपिक पर, यानी कि उसी टॉपिक पर जो टॉपिक में आपको समस्या हो रही है। तो यहाँ पे एक्चुअल स्पेसिफिक करेक्ट या सेम, सेम टॉपिक पर, इस पर सेम टॉपिक पर यू विल फाइंड सम डैश ऑफ सर्टेन फैक्ट, तुम पाओगे सम डैश डिस्क्रिप्शन क्लेरिफिकेशन। गाइज अब यहाँ पे आपका आएगा क्लेरिफिकेशन, यानी कि आपको उस वर्ड के बारे में मिलेगा क्लेरिफिकेशन। सो गाइज यहाँ पर 10 के 10 यानी कि 81 से 90 तक के मैं आपको करा चुका हूँ, जरा एक बार फटाफट से इन सभी के ऑप्शंस को चेक कर लीजिएगा, मैं सभी ऑप्शन यहाँ पे एक बार क्लियर कर देता हूँ। यस एक बार स्क्रॉल टेस्ट को खुद कीजिएगा अपने आप आराम से। जैसे कि 81 का ऑप्शन है पहले का इन, रिच के साथ इन आता था। दूसरा यहाँ पे आपका है कॉन्फाइन, क्योंकि ये ऑफ की वजह से है, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। 81 का है आपका सी, 82 का भी है आपका सी, 83 में आपका आया था ए, 84 में था आपका एक्सप्लेनेशन यानी कि सी, और 85 में था आपका ए, ए बिल्कुल, 86 में था हमारा और यानी कि ए, 87 में था हमारा चेक यानी कि सी, 88 में था हमारा सेम यानी कि डी, 89 में थे हमारा सॉरी 88 में हमारा हाँ डी था अपोन की वजह से, 89 में भी डी था और 90 में हमारा बी। तो यानी कि ये आपके सारे ऑप्शंस, अगर हम गौर करें तो यहाँ पे सी 1, 2, 3, 4 बार आया है और डी 1, 2, 3 बार ए आया है, डी 2 बार आया है और बी आपका सिर्फ और सिर्फ 1 बार आया है, 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। यानी कि अगर कोई तुक्का भिड़ने वाला बच्चा होता, सब पे सी लगाता, तो शायद वो बच जाता, 2-4 नंबर लेके आ सकता था। गाइस तुक्के नहीं भिड़ने हैं,
एक्सपर्ट बनना है पूरा, तो बड़ी मेहनत के साथ में मेरे साथ जुड़े रहिएगा। देखिए अभी तो क्लोड टेस्ट की शुरुआत है, अभी तो और भी क्लोड टेस्ट करने हैं। इससे पहले भी मैं क्लोड टेस्ट काफ़ी करा चुका हूँ आपको, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे क्लोड टेस्ट हम लोगों ने किए हुए हैं, आगे और भी करेंगे, बढ़ते जाना है आगे धीरे धीरे। लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही, चलते हैं, फिलहाल लेते हैं आपसे विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। वीडियो को देखने के बाद में कम से कम एक लाइक तो जरूर करके जाइएगा गाइस, जिससे कि हौसला बढ़ता है आगे की वीडियो बनाने के लिए। ओके गाइस, चलिए फिलहाल चलते हैं, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।